वेलकम यूट्यूब, आई एम निकेतन, यू आर वॉचिंग वेब स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल लेआउट ऑफ बिल्डिंग ऑफ फार्म की। जनरल लेआउट के अंदर हम डिफरेंट बिल्डिंग्स की बात करेंगे कि एक फार्म के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी टोटल 5 बिल्डिंग्स आती हैं जिनके बारे में आज मैं ब्रॉडली बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिल्डिंग आती है, वो है फार्म हाउस। तो एक फार्म के अंदर फार्म हाउस होना तो बहुत ज़रूरी है। तो फार्म हाउस के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। फार्म हाउस पहली बात होता क्या है, तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उस पर्सन के लिए जो कि उस फार्म में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग वहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर याद आपको क्या रखना है कि फार्म हाउस लीवार्ड साइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फार्म बिल्डिंग के अंदर लाइव स्टॉक रहते हैं, तो उसकी लीवार्ड साइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड मैन्योर स्मेल की वजह से। अब मैं बताता हूँ लीवार्ड साइड होती क्या है। मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, तो इधर से अगर मान लीजिए विंड चल रही है तो विंड इधर से जाकर ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो साइड होती है ये होती है लीवार्ड साइड। ठीक है, दिस वन साइड, तो ये होती है लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए इधर आपका जो लाइव स्टॉक है उसकी बिल्डिंग प्रेजेंट है और इधर आपने फार्म को प्लेस कर दिया, तो क्या होगा कि विंड इधर से चलेंगी तो इधर की जो स्मेल है, जो फार्म बिल्डिंग की स्मेल है, वो कहाँ पर आएगी, फार्म हाउस के अंदर आएगी, फ्लाइज भी आएंगी। तो इसीलिए फार्म हाउस को कभी भी लीवार्ड साइड में प्लेस नहीं करना है आपको। ठीक है, तो साइड का आपको याद रखना है। इसके अलावा फार्म ऑफिस जो है वो सेंटर ऑफ द फार्म में प्लेस होना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ, और मैनेजर हाउस भी एंट्रेंस पर ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एंटर तब कर रहा है जब वो पहले मैनेजर हाउस वहाँ पर मॉनिटर करता रहे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो बिल्डिंग आती है वो कौन सी बिल्डिंग है, फार्म बिल्डिंग हमारी कौन सी बिल्डिंग है जहाँ पर कि हम लाइव स्टॉक को रखेंगे, और ये फार्म हाउस से और वर्कर कॉटेज से, जहाँ पर वर्कर्स रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्कर कॉटेज। ठीक है, तो उससे अलग होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और फार्म बिल्डिंग के बारे में तो मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो लास्ट वीडियो में दे ही चुका हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात आती है फार्म स्टोर। तो फार्म स्टोर की ज़रूरत क्या पड़ गई भाई, कि जो भी रफेज है, ठीक है, एनिमल का, उसे स्टोर करने के लिए फीड फॉडर को यहाँ पर फार्म स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है, इसके बाद हमारा डी पार्ट आता है क्वारंटीन शेड। तो क्वारंटीन शेड के अंदर क्या है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि कोई भी जो नया एनिमल आता है, ठीक है, उसे आपको क्वारंटीन करना होगा कुछ पीरियड के लिए, उसे हम रखते हैं क्वारंटीन शेड के अंदर। अब ये जो क्वारंटीन शेड है ये कहाँ पर प्लेस होनी चाहिए, ये एंट्रेंस पर ही प्लेस होनी चाहिए क्वारंटीन शेड। अब क्यों एंट्रेंस पर प्लेस होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं भाई कि आप एनिमल को लेकर के आएँ और पूरी शेड के अंदर घुमा करके अंदर लेकर के जा रहे हैं लास्ट में, उसके बाद आप उस एनिमल को क्वारंटीन कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, वो ऑलरेडी जो डिसीज़ होगी वो सब में फैल जाएगी, सब में स्प्रेड हो जाएगी एनिमल्स के अंदर। तो अगर इससे बचना है तो आपको क्या करना है कि क्वारंटीन शेड को एंट्रेंस पर ही आपको प्लेस करना है, तो कोई भी एनिमल आए तो वो एंट्रेंस पर ही रुक जाए। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई डिसीज़ भी है तो वो एंट्रेंस पर ही रुक जाए, वो आपकी जो लाइव स्टॉक है उससे वो दूर रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होने से बचा देती हैं, अगर कभी भी ये चीज़ें याद रहें आपको तो। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, क्वारंटीन शेड के बाद आता है आइसोलेशन शेड। आइसोलेशन शेड के अंदर हम क्या करते हैं कि उन एनिमल्स को प्लेस करते हैं जो कि हमारे लाइव स्टॉक के अंदर ही वो बीमार हो चुके हैं। ठीक है, तो वो भी हेल्थी शेड से अलग होनी चाहिए। ये 5 बिल्डिंग्स हैं जो मेन बिल्डिंग्स हैं, ये जनरल लेआउट है जो कि आपका वहाँ पर प्लेस होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फार्म बिल्डिंग। मतलब हमने लेआउट की बात कर ली कि ये फार्म बिल्डिंग्स होनी चाहिए, अब उन फार्म बिल्डिंग को आप अरेंज कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पहला आपका आता है सेंट्रल कोर्टयार्ड सिस्टम, और दूसरा आपका आता है पैरेलल अरेंजमेंट विद रॉड। तो यहाँ पर हम सबसे पहला वाला सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल कोर्टयार्ड सिस्टम। कोर्टयार्ड में आपको बता देता हूँ क्या होता है कि वो स्पेस होता है जहाँ वो स्पेस, खाली स्पेस जो कि आसपास बिल्डिंग से पूरा कवर्ड हो, ठीक है, उसे हम कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो अब कोर्टयार्ड में क्या होता है कि इसके अंदर हमारा एक वाइड ड्राइववे होता है एंट्रेंस पर फार्म के, और एक अंदर जाकर के एक स्पेसिस कोर्टयार्ड होता है जैसा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब फार्म हाउस यहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए एंट्रेंस पर। ठीक है, अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ वो ये चीज़ है
इमेज के थ्रू मैं बताता हूँ कि फार्म हाउस कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, एंट्रेंस पर। ये क्या है, एंट्रेंस, ठीक है। और ये क्या है, कोर्टयार्ड। इसके आसपास क्या होंगी, बिल्डिंग्स होंगी। तो ये कोर्टयार्ड वाला सिस्टम है। इसके अलावा पैरेलल अरेंजमेंट आता है। पैरेलल अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट विद रोड। इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो दोनों साइड पर रोड की लोकेटेड होंगी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट रोज बनेंगी डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स के लिए। और ये जो है अरेंजमेंट, ये हेल्प करता है इजी क्विक एंड ट्रांसपोर्ट के। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको उठानी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कोर्टयार्ड सिस्टम में ये चीज़ नहीं है। और ये कॉमर्शियल जो फार्म्स होते हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ये लार्ज फार्म के लिए, लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए बिल्कुल आइडियल सिस्टम है। अब मैं ये इमेज के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका एंट्रेंस है। एंट्रेंस में मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रल रोड रहेगी और इसके दोनों साइड आपकी बिल्डिंग्स रहेंगी, ठीक है। कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, आसानी से ली रोड के थ्रू बाहर आ गए, ठीक है। तो ये वाला अरेंजमेंट हो गया। तो इसके अंदर हमने दो टाइप के जो सिस्टम है, जो अरेंजमेंट है, वो देख ली, सेंट्रल कोर्टयार्ड सिस्टम और पैरेलल अरेंजमेंट विद द रोड। तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।